हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो मैंने वीडियो बनाया है वो उन लेडीज़ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है जो प्रेग्नेंट है और या फिर अभी अभी माँ बनी है। इस वीडियो में मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी आपसे शेयर करूँगी। तो आज का वीडियो का टॉपिक है एक नवजात बच्चे के लिए माँ का दूध अच्छा है या फॉर्मूला मिल्क अच्छा है। वैसे तो आप सभी जानते हैं कि माँ का दूध सबसे अच्छा होता है एक न्यू बॉर्न बेबी के लिए, पर अगर वो अवेलेबल ना हो या किसी कारण से एक माँ अपने बच्चे को वो दूध पिला ना पा रही हो, तब आप क्या करेंगे? तब तो हमें फॉर्मूला मिल्क की तरफ जाना पड़ेगा। तो सेम केस मेरे साथ भी यही था कि जब मेरा बेटा पैदा हुआ, डुगु पैदा हुआ, तब मेरा मिल्क इतना प्रोड्यूस नहीं हो रहा था। तो मुझे डॉक्टर ने सजेस्ट किया फर्स्ट डे से ही कि आपको फॉर्मूला मिल्क पिलाना पड़ेगा डुगु को, क्योंकि अभी आपका दूध इतना नहीं हो पा रहा है जितना डुगु को चाहिए, जितना उस बेबी को चाहिए, आपका मिल्क उतना प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा। तो आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस में भी देखा होगा कि फर्स्ट डे से डुगु फॉर्मूला मिल्क ही पी रहा है। तो स्टार्टिंग के एक महीने उसने ज़्यादातर फॉर्मूला मिल्क पिया और मेरा दूध कम पिया, पर मेरा धीरे धीरे जब मेरा मिल्क प्रोड्यूस होने लगा, पर तब भी उसको आदत हो गई थी फॉर्मूला मिल्क की। तो अब यहाँ पे हमें प्रॉब्लम होने लगी कि वो मेरा मिल्क नहीं पी रहा, तो उसकी वजह से मुझे फीवर आ जा रहा था बार बार। तो ये चीज़ मैंने अपनी गायनिक से बात की, तो उन्होंने बोला कि अगर आप ऐसा नहीं हो पा रहा है तो आप उसको लीजिए, आप उसको ट्राई करवाइए, वो लेगा, धीरे धीरे लेगा। पर जब डुगू के डॉक्टर के पास गए हम, क्योंकि उसको उस एक महीने में डिस्चार्ज होने के बाद दो तीन दिन बाद ही आपको पता है कि पीलिया हो गया था, तो उसका वेट बहुत लॉस हो गया था। तो जो डुगू के डॉक्टर थे उन्होंने बोला नहीं, अगर वो आपका मिल्क डायरेक्ट नहीं पी रहा है तो उसको पंप करके निकाल के पिलाइए, पर पिलाइए अपना दूध। तो फिर हमने वही स्टार्ट किया, मैंने 15-20 दिन हुए होंगे, तो फिर अपना मिल्क मैंने पंपिंग करके उसको पिलाना स्टार्ट किया। तो वो बॉटल के थ्रू वो आराम से वो पीता था, पर उसकी वजह से एक डेढ़ महीने बाद मेरा पेन बहुत स्टार्ट हो गया, मेरे को फीवर आने लगा, मेरा बॉडी पेन, मेरे आर्म्स, मेरे शोल्डर सब पेन होने लगे। तो जब मैंने अपनी गायनिक को ये बताया तो उन्होंने बोला नहीं, आप इसे मत कीजिए, ये लॉन्ग टर्म के लिए आपको हार्म करेगा। तो उन्होंने बोला अभी वो छोटा है, आप उसको ट्राई करवाते रहो, वो अपने आप ही वो आपका मिल्क पीने लगेगा। जब आपका प्रोड्यूस हो रहा है तो उसी के लिए हो रहा है, तो वो पीने लगेगा, पर जब तक नहीं हो रहा है आप ट्राई कीजिए और फॉर्मूला मिल्क भी चालू रखिए। तो ये लगभग 2.5-3 महीने पे उसने डायरेक्ट पीना मेरे अच्छे से स्टार्ट कर दिया था, पर हम लोगों ने उसका वेट ऑलरेडी इतना गिर गया था तो हमें फॉर्मूला मिल्क भी चालू रखना पड़ा। उसने फॉर्मूला मेरे बेटे ने फॉर्मूला मिल्क 6 मंथ तक पिया है, जब तक वो सॉलिड फूड पे नहीं आ गया, वो 6 मंथ तक उसका फॉर्मूला मिल्क चला है। हाँ, क्वांटिटी धीरे धीरे कम होती गई, कभी दिन में एक बार, कभी दो बार, पर वो कंटिन्यू रहा है जब तक हमने सॉलिड फूड स्टार्ट नहीं कर दिया। पर इन सब के दौरान ये जो स्टार्टिंग के 2-3 महीने होते हैं कि माँ के लिए, एक नई माँ के लिए, और ख़ासकर जो पहली बार माँ बनती है, उनके लिए मेंटली बहुत तकलीफ से भरा होता है, क्योंकि वो दूध हो रहा है और वो पिला नहीं पाती है। मैं वीडियो बना रही थी कि मेरा बेटा उठ के आ गया, डुगु उठ के आ गए, नींद से सो रहे थे। तो हाँ, जो किसी भी लेडी के, किसी भी माँ के जो अभी अभी माँ बनी है, उनके पहले ही इतना पेन होता है, चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी हो चाहे सीजेरियन हो, दोनों में बहुत पेन होता है। तो ऑलरेडी वो पेन से होती है, उसके बाद वो स्टार्टिंग के 2-3 महीने उसको अगर सामाजिक तौर से सपोर्ट नहीं मिलता, क्योंकि ऑलरेडी वो ये प्रॉब्लम फेस कर रही है, मिल्क की प्रॉब्लम फेस कर रही है, उसके बाद उसको सामाजिक तौर पर सपोर्ट नहीं मिलता है, तो उसको ये सब अच्छा नहीं लगता है और मेंटली उसको और प्रेशर हो जाता है। पहले ही वो टेंशन में थी और फिर और टेंशन में हो जाती है। तो मैं अपनी बात करूँ, मेरे को मेरे हस्बैंड का बहुत सपोर्ट मिला। वो हमेशा यही कहते थे कि जितना हो पा रहा है तेरे से उतना कर, नहीं तो फॉर्मूला में पिला कोई बात नहीं, वो बच्चे के लिए बना है, अगर नहीं हो पा रहा है तो हम फॉर्मूला मिल्क पिलाएंगे, उसको भूखा नहीं रखेंगे, बस। उनने मेरी हर तरीके, हर सिचुएशन में हमेशा हेल्प की है, हमेशा उन्हें पॉजिटिव सपोर्ट दिया है मेरे को। मैं बहुत थैंकफुल हूँ उनका, गॉड का भी, कि ऐसे हस्बैंड मुझे मिले। हमें उस टाइम पे एक लेडी को, एक माँ को उस टाइम पे इतना सपोर्ट की ज़रूरत होता है, पर अगर समाज
इच्छिक तौर पे वो नहीं मिलता। आपका आसपास का एटमॉस्फेयर कैसा है उससे पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। कहते हैं ना कि बुरे समय में अगर साथ देना चाहिए, अच्छे समय पे कोई साथ होना हो वही वाली बात है। पहले से आप परेशान हो तो आपको सपोर्ट मिलना चाहिए सबका। मैंने और लोगों से भी बात की है जो अभी अभी माँ बनी है, एक दो लोगों से और बात की है। ये वीडियो बनाने से पहले मैंने बात की थी, सबकी सेम सिचुएशन होती है, सबका एक ही कंडीशन होता है। उसको सामाजिक तौर से इतना सपोर्ट नहीं मिलता, क्यों नहीं मिलता मेरे को नहीं पता, बट ठीक है। पर मैं ये बताना चाहती हूँ जो इस वीडियो के थ्रू कि जो भी माँ बन रही है, प्लीज़ आप इन सब बातों को अपने दिमाग में मत आने दीजिएगा, क्योंकि उस समय आपके बच्चे को आपकी ज़रूरत है। और मेरी डॉक्टर ने तो यही बोला था कि अगर टेंशन में रहोगे तो मिल्क भी प्रोड्यूस नहीं होगा सही से, होगा पर सही से नहीं होगा। क्योंकि जब मैं डुगू को पी लिया हो गया था तो मैं बहुत टेंशन में रहती थी, तब उन्होंने मुझे ये बताया कि अगर आप पहले टेंशन में हो और टेंशन में रहोगे तो मिल्क प्रोड्यूस नहीं होगा, आप रिलैक्स रहो, आराम से उसको वो ठीक हो जाएगा और उसको दूध पिलाना, आप सब सही हो जाएगा। तो मैं सब लेडीज से यही कहूँगी कि अगर ऐसी सिचुएशन है कि हाँ फॉर्मूला मिल्क माँ की मिल्क के आगे अच्छा नहीं है, पर अगर कंडीशन ऐसी हो कि हमें पिलाना पड़ता है तो पिलाइए, जैसे मैंने भी पिलाया था और आप देख रहे हैं एकदम ठीक है, सब ठीक है। मजबूरी थी, पिलाना पड़ा। अगर मदर मिल्क अवेलेबल है तो वो सबसे पहले वो पिलाइए, अगर नहीं है तो फॉर्मूला मिल्क पिलाइए। ये नींद से उठ के आए हैं, अभी भी सो रहे हैं, जमाई ले रहे हैं। इस वीडियो के थ्रू बस मैं यही बताना चाहती हूँ कि जो भी नई नई माँ बनी है, आप परेशान ना हो, आप इस मोमेंट को एंजॉय करें। जो कोई कुछ बोलता है तो बोलने दें, आप अपना आप इतना टाइम से 9 महीने से इस चीज़ का इंतज़ार कर रही थी और वो आज आपके सामने हैं, तो आप परेशान मत हो। आप चाहे कोई भी मिल्क पिला रही हो, फॉर्मूला मिल्क या मदर मिल्क, आप इस मोमेंट को एंजॉय कीजिए। बस मैं यही बोलना चाहती हूँ आप लोगों से। होप्स आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। ये मदर मिल्क और फॉर्मूला मिल्क का जो प्रॉब्लम है और जो टेंशन है वो मत लीजिए। जो भी नई नई माँ बन रही है, मैं उनसे जो सेकंड टाइम माँ बन रही है उनको सब पता होता है, एक्सपीरियंस है। जो एटलीस्ट वन फर्स्ट टाइम मदर बनी है उनको थोड़ा सा डर होता है हर चीज़ का, सामाजिक तौर पे भी प्रेशर होता है, हर चीज़ होता है। पर आप उस सब की टेंशन मत लीजिए। आपने 9 महीने जिस चीज़ का इंतज़ार किया है आज वो आपके सामने है, उस मोमेंट को इन्जॉय कीजिए और बस इतना कीजिए कि वो भूखा ना रहे बस। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस, और आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, तो गुड से बाय, थैंक यू।